हाय फ्रेंड्स मैं दीपा आज मैं आपको आयरिसिन प्लांट कैसे केयर करना है ये बताती हूँ आयरिसिन प्लांट बहुत इजी टू केयर वाला एक प्लांट है आ, पहले बहुत चलता था ये वाला प्लांट लेकिन आजकल बहुत कम नर्सरी में आ, ये देखने को मिलता है आ, इसका स्पेशलिटी क्या है इसका लीफ का जो कलर है वो थोड़ा आ, चेंज हो जाता है ये आ, अच्छा शेड में रखे सॉरी धूप में रखेगा तो ये जो पिंक शेड जो वेन्स में जो बीच में है आ, वो थोड़ा डार्क हो जाता है और ये प्लान्ट ग्रीन uh, कलर में भी आता है और लीफ का जो शेप uh, है वो भी थोड़ा अलग uh, होके ऐसे भी आता है uh, और ये प्लांट कोई भी मौसम में आराम से चल जाएगा और इसका कटिंग लेके आप आराम से ये प्रोपेगेट भी कर सकते हैं तो वो भी कैसे करना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी uh, और ये प्लान लगाने के लिए मैंने ये वाला पोर्ट सेलेक्ट किया वाइट पोर्ट क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट में ना बहुत अच्छा लगेगा uh, ये पर्पल शेड और ये वाइट uh, ऐसे होगा तो बहुत सुंदर दिखेगा बाद में आ, ले आ, कोई भी ऐसे प्लांट्स हो वाइट में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आ, तो मैंने अभी जितना भी पॉट्स खरीदा वो सारे वाइट कलर में ही खरीदा न, और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार करेंगे आ, वो नॉर्मल गार्डन सोइल वर्मी कंपोस्ट और काउडन कंपोस्ट और रेत आपको मिलेगा तो रेत ज़्यादा डालना अच्छा रहेगा कोकोपीट का जगह आप रेत डालेगा तो प्लांट अच्छा चलेगा आ, तो मैंने ये ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है मिट्टी आ, तो ये पॉट के नीचे आप पहले मटके का पीस ऐसे ड्रेनेज होल बंद करने के लिए के बाकी मिट्टी आपको इसमें फिल करना है आ, और ये ना प्लांट जैसे आप प्लेस करेंगे इसमें इसके ब्रिम से वन इंच या वन एंड हाफ इंच नीचे को आप ये प्लेस करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कोई भी प्लांट हो आपको बाद में खाद वगैरह भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो भी और पानी भी देने का टाइम है थोड़ा सा पानी उधर रहना है तो भी ऐसे प्लेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये प्लान के लिए बहुत ज़्यादा खाद का भी जरूरत नहीं होता नॉर्मली uh, बाकी प्लांट्स को जब uh, आप खाद देंगे वही टाइम में इसको भी खाद देना है uh, साल में दो बार डालने से भी चलेगा नहीं है तो दो तीन महीने में एक बार आप uh, खाद डाल सकते हैं इसमें uh, और पानी का भी डिमांड uh, वैसे uh, कोई भी प्लांट हो आप ऊपर uh, का लेयर सूखने के बाद ही पानी देना ज़्यादा अच्छा रहेगा वन इंच करीब नीचे का मिट्टी अगर ड्राई um, है तो तब भी आपको प्लांट uh, पानी देना है और ये आ, समर का टाइम में अभी ये समर है मई एंड हो गया तो आ, ये वाला टाइम में ना आप प्लांट लगाने का टाइम में ज़्यादा ये मिट्टी डिस्टर्ब करना आ, अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसका ज़्यादा रूट डिस्टर्ब होगा तो प्लांट लगने का चांस कम होता है तो जितना कोशिश करें आ, समर में प्लांट आ, रिपोर्ट करने का टाइम में इसका जो रूट बाउल का उधर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना आप ऐसे लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जैसे मैंने पहले बोला ये जो लेंथ है पानी भी अगर देना है तो वो और खाद के लिए भी थोड़ा सा इतना लेवल में ये रख के वो बाकी मिट्टी फिल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कोई भी प्लांट जो थोड़ा हाइट में है और उसका जो स्टेम है थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आप हमेशा वो प्लान ना कोई भी ऐसे लकड़ी का पीस लगा के वो बांध के देना भी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो एकदम ड्रूप हो नीचे को नहीं गिरेगा और प्लान लगाने के बाद हमेशा पानी डाल के देना है और ड्रेनेज होल से नीचे तक पानी आने लायक आपको पहले बार पानी डालना है और ये प्रोपोगेट करने के लिए भी बहुत ईजी है तो मैंने ये दो प्लान लिया था एक प्लान मैं ऐसे ही रख रही हूँ और दूसरे से कटिंग लेके वो लगाने का ट्राई कर रही हूँ ये प्लांट का जो कटिंग है कोई भी मौसम में आराम से लग जाएगा लेकिन नॉर्थ का जो समर के हिसाब से बहुत ज़्यादा समर में ये कटिंग लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा आ, फिर भी मैं ट्रायल बेसिस में लगा के देख रही हूँ लेकिन हाँ बारिश का टाइम में ज़रूर ये सब आराम से लग जाएगा आ, और कोई ऐसे जगह है तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है फिर भी एटमोसफियर में ह्यूमिडिटी है तो आ, जैसे साउथ साइड में और बंगाल आसम ऐसे जो कोस्टल एरिया में सब ने ये प्लांट ऐसे कोई भी मौसम में आराम से चलेगा लेकिन नॉर्थ में आपको एकदम ड्राई हवा चलता है ड्राई है इधर का क्लाइमेट में तो आ, वो टाइम में ऐसे कटिंग शायद ही लगेगा तो मैं ट्राई कर रही हूँ अभी लगाने के लिए और लगाने के लिए भी ना आपको ये नीचे से जो भी ऐसे लीव्स है वो सब काट के देना है और मिट्टी में थोड़ा सा जगह ऐसे बना के आपको वो उसमें दबाना है मैं ये सेम पोर्ट में अभी लगा रही हूँ क्योंकि ये प्लान ना मुझे थोड़ा सा अगर और बुशी मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं इसी में जगह बना के अभी मेरे पास चार कटिंग है चारों ऐसे इसी पोट में लगा के दूँगी और ये प्लांट सभी लगाने का ट्राई कर लीजिएगा बहुत ईसी है वैसे केयर करना और हाँ ज़रूर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना थोड़ा सा ऐसे शेडी एरिया में लेकिन हाँ अच्छे से लाइट चाहिए इसको मॉर्निंग का ऐसे दो तीन घंटे का धूप कोई दिक्कत नहीं है आ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता तो वो वाला धूप चलेगा आ, नहीं ये तो आफ्टरनून का जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाला धूप से ऐसे बचा लेना प्लांट को आ, बाकी ये प्लांट आराम से आपके पास ग्रो हो सकता है Uh, तो सबको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग